दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में आखिरी बार कब सुना था कि किसी वजह से पूरे के पूरे देश में कर्फ्यू लग गया हो, चाहे वो चीन के हुबई प्रोविंस के वुहान शहर की बात हो या फिर अब इटली, ईरान, जर्मनी जैसे देशों की। आपने कब ऐसी चीज के बारे में सुना जिससे लगभग 200 देशों में से 120 देशों में दहशत मच गई हो? दुनिया भर के डोजोन समेत शेयर मार्केट को औंधे मुंह गिरते हुए कब देखा था? भारत ने पिछली बार कब वर्ल्ड के सभी देशों के वीजा कैंसिल कर दिए हो? केवल डिप्लोमैट, ऑफिशियल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीजा वाले लोग ही भारत एंटर कर पाएंगे। आज से पहले अपने दोस्तों को रिंगटोन लगाते हुए तो देखा था, पर पूरे देश में सरकार ने अवेयरनेस फैलाने के लिए सभी मोबाइल नेटवर्क्स पे कोरोना वायरस की रिंगटोन लगा दी हो? इतिहास पे नजर डाली जाए तो ऐसा कुछ 1939 से 1945 में हुई वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही ऐसी तबाही देखने को मिली थी। तब सभी देश आपस में लड़ रहे थे और अब 2020 में सभी देश मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले की लड़ाई बंद करना तो हमारे हाथ में थी, लेकिन अब इस बार लगभग 3 महीने हो गए हैं और इस रहस्यमय वायरस का कोई वैक्सीनेशन, एंटीडोट या इलाज नहीं मिल पाया है। पता है मैं आपको ये बातें क्यों याद दिला रही हूँ? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल खांसी जुकाम माने बैठे हैं। लोग अभी भी इसी ख्याल में जी रहे हैं कि भारतीयों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कुछ नहीं होगा। एक हफ्ते पहले तक इसको चाइनीज वायरस करके हल्के में ले रहे थे और हम इंडियंस अभी भी सोचे बैठे हैं कि हवन करा के या फिर देसी नुस्खों से हम कोरोना वायरस से लड़ लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज प्लीज ऐसे किसी भी भ्रम में ना रहिए, अफवाहों से बचिए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जागरूकता के अभाव में आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति ने कोरोना के डर से फांसी लगा ली और जांच करने पे पाया गया उन्हें बस जुकाम था। सीजनल खांसी, जुकाम, बुखार और कोरोना वायरस के सिम्टम्स में अंतर समझिए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और उम्मीद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये वीडियोस बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुनिया की बात करें तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल इस वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। इटली में 12,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और 827 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। ईरान में 9,000, साउथ कोरिया में लगभग 8,000 लोग इसकी चपेट में हैं। इटली शहर इस वक्त बंद है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, कोई बाहर दिखा तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। ईरान का तो आपने सुना होगा कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट और हेल्थ मिनिस्टर तक कोरोना वायरस के चपेट में आ गए थे। वही हुआ यूके की हेल्थ मिनिस्टर के साथ, उनका टेस्ट भी कल पॉजिटिव आया। फॉरेस्ट गंप, सली, द विंची कोड जैसी सक्सेसफुल मूवीज के एकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ भी कोरोना वायरस के कहर से नहीं बच पाई, दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल ने बताया कि जर्मनी की 2/3 जनता को कोरोना वायरस होने का संदेह है। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। दुनिया का सबसे पावरफुल कहे जाने वाला देश अमेरिका में भी 1300 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं और 38 लोगों की डेथ हो चुकी है। 2020 के अंत में नवंबर में होने वाले US प्रेसिडेंट इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने कोरोना से लड़ने के लिए US कांग्रेस से $2.5 बिलियन यानी कि 250 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करवाया है। ट्रंप ने UK छोड़कर सभी यूरोपियन देशों के फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कोरोना वायरस इलेक्शन मुद्दा बन सकता है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस ऐसे कैसे इतना फैल गया, यही तो मुश्किल है इस वायरस की। जब तक इस वायरस का पता चलता है, इंसान इससे इन्फेक्टेड हो चुका होता है। जब तक सरकार को पहले मामले की जानकारी मिली, कोरोना वायरस उससे कहीं पहले देश के कई शहरों में फैल चुका था और सरकार समेत लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। क्या ऐसा ही भारत के साथ भी है? बिल्कुल हो सकता है। देखते ही देखते भारत में 62 केसेस की पुष्टि हो चुकी है और शायद कर्नाटक राज्य में पहली मौत भी। पेशेंट्स रिपोर्ट आना बाकी है। 12 राज्यों में वायरस फैलने के बाद इंडिया में केरल स्टेट हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी तक केरल में 17 केसेस सामने आए हैं। वहां के स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर सब बंद कर दिए गए हैं।
मुंबई में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले पुणे में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि हैदराबाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ताजा टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जल्द ही गांधी हॉस्पिटल से रिहा किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग जब कमेंट करते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं तो हौसला मिलता है अगली वीडियो की तैयारी में जुटने का। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।